हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? सो रिसेंटली हम लोगों ने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में हिस्ट्री के चैप्टर को फिनिश करा है, तो आज मैंने सोचा कि अब हम कोई डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज से हम सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सिविक्स में भी सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप लोग सोचोगे अनुष्या मैम तो एसएसटी के हर एक चैप्टर को इंटरेस्टिंग ही कहती रहती हैं, पर ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको सही में डे टू डे लाइफ में ये चैप्टर आपको बहुत काम आएगा। हम लोग अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं ना कि इलेक्शन टाइम आ रहा है, या फिर हम लोग सुनते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये कह दिया वो कह दिया। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोग न्यूज को भी थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो एज गुड स्टूडेंट्स एज गुड सिटीजन्स हमको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए, और इस चैप्टर में आप यही सारी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे साथ सीखने वाले हो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे टर्म टू की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आप लोग कौन से टॉपिक्स कवर करोगे मेरे साथ? आज पहला लेक्चर है बेटा, सो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं ये हम समझेंगे। इसके अलावा हम लोग फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पहले समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी क्या है। साथ ही साथ आज के क्लास में समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या होता है। सो ये तो टॉपिक्स हम लोग आज के क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। सो मैं हूँ अनुष्या, एंड सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब आप लोग मेरे साथ कवर करोगे, ओके। चलो तो अब इंट्रोडक्शंस हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, ठीक है। तो चलो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें, अगर हम हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें, तो हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में न्यूज में। एंड अक्सर हम लोगों के दिमाग में दो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्या है, क्यों हम लोग हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही बात करते रहते हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है। एक क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी काफी है, या दो होनी चाहिए, या तीन चार होनी चाहिए। सो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये दो बेसिक क्वेश्चंस डेफिनेटली इस चैप्टर के साथ लिंक्ड है, और हम लोगों ने भी कभी ना कभी न्यूज देखते टाइम या फिर अपने डेली लाइफ में इन क्वेश्चंस के बारे में सोचा है, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये भी समझेंगे इस चैप्टर में कि नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में समझोगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आजकल के टाइम पे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, ठीक है, क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कमी है, क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ काम करने का तरीका गलत है, और अगर हाँ गलत है तो हम कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टीज को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ये कुछ चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, ओके। चलो सो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक आप बच्चों का यही है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है। तो इसमें ना बेटा आप बच्चों को एक चीज समझने की जरूरत है कि अक्सर पता है क्या होता है, लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी। अब आप कहोगे नहीं मैम हमें तो पता है डेमोक्रेसी क्या होता है, हमने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ रखा है, पिछले सब्जेक्ट्स में भी, पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ रखा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, हमें पता है कि डेमोक्रेसी में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सब हमें पता है। पर ये आप बच्चों को पता है ना, अगर इन जनरल हम लोग इंडिया में जाएं, ठीक है, इंडिया में मान लो आप किसी भी गांव में जाओ और गांव में आप किसी भी बच्चे से उठा के पूछो कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, ओके।
तो इंडिया में एक ऐसा नोशन है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए. ओके, सो एक पॉइंट आपको ये समझना है कि इंडिया जैसे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत फेमस है. तो अगर आप किसी से भी रस्ते में किसी को भी रोक के पूछोगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उनको हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ना पता हो सकता है उनको ये ना पता हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, पर उनको ये पता होगा कि उनके स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन से लीडर्स हैं, ये सारी चीजें उनको पता रहती हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. ठीक है, तो ये आपको समझना है. जस्ट बिकॉज सबको इंडिया में लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज सबको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं. ठीक है, काफी सारे लोग, जैसे आप लोगों ने अपने मतलब हो सकता है घर में किसी को बात करते हो सुना हो, या स्कूल्स में सुना हो, कहीं पे सुना हो, आप सुनते रहते होगे कि लोग अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज की कमियां निकालते हैं, है ना. इंडिया में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर इंडिया में कुछ गलत चल रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है. कोई भी दिक्कत हमें आसपास अपने सोसाइटी में देखने को मिलती है, हम क्या करते हैं, झट से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं कि उनकी गलती है. तो सबको पता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज काफी हद तक फेमस हैं, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डिसलाइक करते हैं. ठीक है, देयरफॉर ये सारे पॉइंट सुनने के बाद हमारे दिमाग में अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत भी है. अगर लोग इतना ज्यादा डिसलाइक करते हैं, लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को हर चीज के लिए, तो क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जरूरत भी है. ठीक है, तो अगर हम कुछ 100 ईयर्स पहले की बात करें, ठीक है, अगर बहुत साल पहले की बात करें, तो ऐसी बहुत कम कंट्रीज थी जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना. ये तो ऑब्वियस सी बात है. अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो एक टाइम ऐसा भी था जब राजा रानी रूल किया करते थे, लोग उनकी बात सुन के चलते थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर. पर अगर हम आज की बात करें तो बहुत कम ऐसे एरिया है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, है ना. तो ऐसा क्या खास है पॉलिटिकल पार्टीज में कि आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट समझते हो आप लोग, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह है. ठीक है, आजकल के टाइम पे बहुत कम ऐसे एरियाज हैं जहां पे कोई ऐसा कह सके कि यहाँ पे तो कोई पार्टी ही नहीं है. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ तो ऐसा होगा ना कि पूरे वर्ल्ड ने, सारी कंट्रीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, चलो तो ये सारे क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, है ना. तो आगे बढ़ने से पहले हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, व्हाट दे डू, ये लोग करते क्या हैं. ठीक है, होते क्या हैं, करते क्या हैं, और हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है. पहले हम ये सारी चीजें समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी क्वेश्चंस को भी, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को भी क्लियर करते हुए जाएंगे. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब कुछ लोगों का ग्रुप. ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका सेम थिंकिंग है, और ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन में साथ में पार्ट लेंगे, इलेक्शन जीतेंगे और फिर गवर्नमेंट बनाएंगे, पावर में आ जाएंगे. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है, कुछ लोगों का ग्रुप जिनकी सेम थिंकिंग है. ठीक है, सेम पॉलिसीज ये लोग लाना चाहते हैं. इन लोगों ने सोचा कि हम लोग साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, तो इसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. ठीक है, ये कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को मान लेते हैं कि इंडिया में ये पॉलिसी और ये प्रोग्राम लाना जरूरी है, और फिर ये लोग कोशिश करते हैं कि इस पॉलिसी और प्रोग्राम को पूरे इंडिया में प्रमोट करें. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी में सारे लोगों का मानना है कि इंडिया में सबसे पहले करप्शन हटाने की जरूरत है. ठीक है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोगों का क्या मानना होगा कि करप्शन को हटाना है. ये लोग कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे कि इंडिया में इन इन पॉलिसीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं,
करप्शन को हटा सकते हैं, इंडिया को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के डिफरेंट व्यूज होते हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अक्सर हम लोगों को मनाना पड़ता है कि आप प्लीज हमें वोट दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, इनको लगता है कि इंडिया में करप्शन हटाने की जरूरत है। ठीक है, तो मान लो आपका मानना है कि नहीं, इंडिया में करप्शन ज्यादा नहीं है, इंडिया में सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तो इन लोगों को आपको मनाना पड़ेगा पहले कि नहीं, पहले हम करप्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, आप लोग प्लीज हमें वोट दो, हमारे पॉलिसीज बेटर हैं। तो अक्सर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता को मनाना पड़ता है, परसुएट करना पड़ता है कि आप हमें वोट दो, बाकी पार्टीज के कंपैरिजन में हमारे जो व्यूज हैं वो ज्यादा बेटर हैं। ठीक है, दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट। अगर इन्हें पॉपुलर सपोर्ट मिल जाता है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाए, तो वो पार्टी के लोग जीत जाएंगे और फिर वो अपने पॉलिसीज को एक्शन में ला पाएंगे। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी से क्या होता है, हम देखते हैं कि सोसाइटी में फंडामेंटल डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, पढ़ाई को इंडिया में एंकरेज करने का की जरूरत है, बाकी लोगों का मानना है कि नहीं, गरीबी को हटाने की जरूरत है इंडिया में। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज का अलग अलग थिंकिंग होता है। ठीक है, अलग अलग व्यूज के थ्रू वो लोग बट जाते हैं। ओके, सो पार्टीज में क्या होता है, अक्सर पार्टीजनशिप होता है। पार्टीजनशिप का क्या मतलब है, पार्टीजनशिप वर्ड का मतलब होता है किसी एक आइडिया की ज्यादा साइड ले लेना। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ए का मेंबर है, वो किस आइडिया की साइड लेगा कि करप्शन को भगाने की जरूरत है। तो अक्सर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई एक आइडिया पकड़ लेते हैं और उस एक आइडिया की ज्यादा साइड लेते हैं कि बाकी सब बाद में करेंगे, हमारा आइडिया बेटर है, उसे इंडिया में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, पर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, इनको जनता से, पब्लिक से ज्यादा सपोर्ट जीतना होगा, तभी ये गवर्नमेंट का पार्ट बन पाएंगे, तभी ये लोग अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब यहां तक पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अब हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा रहेंगे कुछ लीडर्स। ठीक है, अगर कुछ लोगों का ग्रुप है तो उन ग्रुप के कुछ लीडर्स होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा रहते हैं कुछ लीडर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर्स मतलब ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं और वो एक्टिव हैं। ठीक है, एक्टिव मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, हर जगह जाके अपने पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मतलब पब्लिक में कुछ ऐसे लोग जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं कि हाँ, बहुत बढ़िया कह रहे हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ही बढ़िया थिंकिंग है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा क्या क्या चीजें रहती हैं, कुछ लीडर्स रहेंगे, कुछ एक्टिव मेंबर्स रहेंगे और फॉलोअर्स रहेंगे। तो ये तीन कॉम्पोनेंट हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ फंक्शंस को समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस हैं बेटा जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, उन फंक्शंस को हम एक एक करके कवर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी मतलब ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा कि लिस्ट फ्यू फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फंक्शंस बता दो, तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट वन, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो एक फंक्शन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कि यूएसए में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के और जो सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, है ना। अगर उनको डिसाइड करना है कि पार्टी में से कैंडिडेट किसको बनाए,
तो पार्टी के जो कुछ मेंबर्स हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कैंडिडेट कौन बनेगा इलेक्शन के लिए। पर हमारे जैसे कंट्री में, इंडिया में क्या होता है, पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं, किसी भी पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट कौन बनेगा इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब तो खैर ज़्यादातर कंट्रीज़ यूएसए की तरह ही फॉलो करती हैं कि मेंबर्स और सपोर्टर्स कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में हमारे टॉप लीडर्स डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट कौन बनेगा इलेक्शन के लिए। जो भी हो, ये पॉइंट आपको समझ लेना इसमें से कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनका एक फंक्शन ये है कि इलेक्शन में उनको पार्ट लेना है, भाग लेना है। चलो, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, बोल्ड भी कर रखा है बच्चों के लिए, ताकि आपको पूरे पैराग्राफ में से मेन पॉइंट समझ आ जाए। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अलग अलग आइडियाज को देते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बताते हैं कि इंडिया के लिए ये पॉलिसी बेटर है, इंडिया के लिए ये आइडिया बेटर है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग आइडियाज को बताएंगे और फिर इंडिया के लोग, हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया बेटर है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी की सोच बेटर है। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि इन्हें इंडिया के लिए अलग अलग आइडियाज देने हैं, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बताने हैं और फिर उन प्रोग्राम्स में से हम लोग डिसाइड करते हैं कि बेटर और बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, हमको किसे वोट देना है। ठीक है, वैसे तो देखो इंडिया में अगर हम बात करें तो हर एक इंसान की ही अलग सोच है, इतने सारे लोग हैं इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अलग अलग टाइप की पॉलिसीज, हर टाइप की पॉलिसीज बनाते हैं। अगर कुछ सिमिलर आइडियाज हैं तो हम उनको ग्रुप करके एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। पर हाँ, एक काम पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि कंट्री में पॉलिसीज का आइडिया देना है, प्रोग्राम का आइडिया देना है, जो कि कंट्री के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अब मान लो हमें कोई एक आइडिया पसंद आ गया। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग से पॉलिटिकल पार्टी ए को मान के चल रहे हैं ना, और ये लोग कह रहे हैं कि करप्शन को हटाना है इंडिया में। मान लो इंडिया में ज्यादातर लोगों को ये आइडिया बढ़िया लग गया, तो ऐसे में क्या करना होगा, हम लोग कहेंगे, हम लोग इनको वोट देंगे कि आपका, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो पॉलिसी है बढ़िया है, इंडिया में करप्शन को हटाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग इनको वोट देंगे। फिर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी ए इलेक्शन को जीत जाएंगे और ये लोग बन जाएंगे रूलिंग पार्टी। अब अगर ये रूलिंग पार्टी बन गए तो इनके पास सही में पावर आ जाएगी इंडिया में धीरे धीरे करप्शन को हटाने की। ओके, चलो नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन होता है। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंट्री के कानून बनाने में। ओके, अब आप लोग सोचोगे कि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बना है उसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कराना, जुडिशरी का काम होता है लोगों को इंसाफ दिलाना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि ये तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। इसमें लेजिस्लेचर मतलब अपनी जो पार्लियामेंट है, उनका काम होता है कंट्री के लिए अलग अलग कानून बनाना, बने हुए कानून को थोड़ा सा बदल देना, ये सब लेजिस्लेचर का काम होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, हमारे बुक्स में ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इंडिया के लिए बढ़िया कानून बनाना, इसीलिए क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में भी तो पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर्स होते हैं, है ना। तो अगर हमारे पार्लियामेंट में ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग वही कानून बनाना चाहेंगे जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक रोल होता है कि कंट्री में किस टाइप के कानून बनेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पॉलिटिकल पार्टी ए को वोट दिया, अगर ये रूलिंग पार्टी बन गई, तो ये लोग क्या कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के कानून बने जिसके थ्रू करप्शन को कम कर दिया जाए इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ओके, ये भी आई थिंक ये थोड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है इलेक्शन तो वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं एंड वो हमारे कंट्री को रन करना स्टार्ट कर देते हैं।
इंडिया में जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका बहुत एक मेजर फैक्टर रहता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं और कंट्री को रन भी करते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। दोज पार्टी दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर, ठीक है। हमें अक्सर क्या लगता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है और वो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीत जाएगी, है ना। ऐसा होता है इलेक्शन के टाइम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को जीत जाती है उनको बहुत ज्यादा, मतलब न्यूज में भी आप देखते हो कि हर जगह उन्हीं का ही नाम आता है ना, उसके बाद हर जगह सारे लोग उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं। पर हमारे सिस्टम में बेटा और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हार जाती हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो जो भी लूजिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हार गए हैं इलेक्शन में, उनका क्या काम होता है, अब वो लोग ऑपोजिशन पार्टी कहलाते हैं। अब इनका क्या काम होता है, ये लोग नजर रखेंगे रूलिंग पार्टी के ऊपर। रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है, वो लोग जो इलेक्शन जीत गए हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्या करेंगे, नजर रखेंगे रूलिंग पार्टी के ऊपर और ये देखेंगे कहीं ये लोग कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर ऑपोजिशन पार्टी के लोग रूलिंग पार्टी के लोगों की कमियां निकालते रहते हैं, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, और ये चीज हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। हमें पता लगता रहेगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ इम्प्रूव कर सकती है। तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी की गलतियां निकालते हैं और हमारे लिए काम आसान कर देते हैं, और ये हमारे वॉइस को भी रेज करते हैं। मान लो हमें कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है, मान लो हमें लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट बढ़िया काम नहीं कर रही, तो ऑपोजिशन पार्टी झट से उस चीज को समझ जाएंगे और हमारे वॉइस को रेज करेंगे कि देखो कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको रूलिंग पार्टी पसंद नहीं आ रही, ओके। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो जीतती हैं इलेक्शन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है कंट्री में, नहीं, जो लोग हार जाते हैं वो लोग ऑपोजिशन पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो लोग इंडिया में क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज के वजह से क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन बनता है, ठीक है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, किसी भी इशू को उठा के उसे रेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाए, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करेंगे, झट से उस चीज को उठा लेंगे और उस चीज को रेज करना स्टार्ट कर देंगे कि देखो इंडिया में इस साल में सिर्फ इतने इतने हॉस्पिटल्स बने, ठीक है, इंडिया में इतने सारे लोग हैं पर बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस चीज को बोलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज पब्लिक के दिमाग में भी जाने लगेगी, है ना। जनरली जैसे जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उनको काफी कुछ पता नहीं होता, उनको आइडिया नहीं होता इन चीजों का कि इंडिया में क्या क्या दिक्कत चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। अक्सर हम लोग अपने एक ही एरिया में रहते हैं, अपने सोसाइटी में रहते हैं, अपने गाँव में रहते हैं और हमें ये नहीं पता लग पाता कि इंडिया के बाकी कोनों में क्या चल रहा है। पर पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग एरियाज के प्रॉब्लम को रेज करते हैं और उनके वजह से हमको पता लग जाता है कि अच्छा इंडिया में ये भी दिक्कत चल रही है। अक्सर ये लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब इनको पता चल गया कि इंडिया में हॉस्पिटल्स की कमी है, तो ये लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लोगों से कहेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एक रैली करते हैं, मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये लोग अक्सर मूवमेंट्स को लॉन्च कराते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये रोल भी इनका होता है। नेक्स्ट, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी के वजह से क्या होता है, हमको लगता है कि गवर्नमेंट एक्सेसिबल है, कि गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ कर रही है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे लिए स्कीम्स बनाते हैं, है ना, हमारे लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, और अगर हमें भी कोई दिक्कत आ रही होती है, हमें लगता है कि हम मिनिस्टर से जाके बात कर लेते हैं, हमारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, तो हमको लगता है कि मिनिस्टर्स के थ्रू, नेता के थ्रू हम भी गवर्नमेंट से बातचीत कर सकते हैं, हम भी गवर्नमेंट के सिस्टम का ही एक पार्ट हैं।
अक्सर आप देखोगे कि जो लोकल सिटीजन होते हैं, किसी भी एरिया के जो सिटीजन होते हैं, वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के जो लोकल पार्टी लीडर हैं उनसे जाके बात करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, नेता के पास नहीं जाना, लोकल पार्टी लीडर के पास नहीं जाना, हम गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, है ना। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर से बात करते हैं, वो हमारी सुनेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक और फंक्शन क्या होता है, हम लोगों को ऐसा फील कराना कि हम लोग भी गवर्नमेंट मशीनरी के पार्ट हैं, हमारे लिए भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा रही हैं, ओके। चलो, तो ये कुछ फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि मैंने आपको बता दिया है, पर लाइक आई सेड, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज के क्लास में आपको पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी समझ आ गया होगा, ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम कवर करते जाएंगे इसी चैप्टर में। अभी तक यहाँ तक आप बच्चों को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग रीच आउट करो, कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, एक बार क्लास को लाइक कर दो, अपने प्रॉब्लम्स को कॉमेंट करो, क्लास कैसी लग रही है ये बताओ, और सबको बताओ कि यहाँ पे टर्म टू की तैयारी चल रही है, सोशल साइंस हमने स्टार्ट कर दिया है, ओके। सो आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी कवर कर लिया है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर कर लिया है। आगे फ्यूचर क्लासेस में हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए एक नेसेसिटी क्यों है, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।